जवना खातिर अलगा भइली वह पड़ल बखरा, यानी जिसके लिए बड़े से बड़ा पैंतरा चला गया, जिससे छुटकारा पाना था वही अपने हिस्से में आ गया। सवाल यह है कि क्या यही हाल दिल्ली में बैठी गुजराती जोड़ी का हो चुका है? जिस मामा को किनारे लगाना चाहते थे वो मामा क्या गुजराती जोड़ी की नैया डुबाने के लिए तैयार बैठे हैं और फिर खुद नाव पर सवारी करने के लिए भी तैयार हैं क्या? क्या 2024 चुनाव से पहले या उसके तुरंत बाद बीजेपी के भीतर से ही नया नेतृत्व निकल सकता है? क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने चर्चा तेज कर दी है कि मध्य प्रदेश के मामा आडवाणी बनने के लिए तैयार नहीं है, वो मुरली मनोहर जोशी भी नहीं बनना चाहते। जी हाँ, ये कहानी बड़ी दिलचस्प मोड़ ले चुकी है, विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही हमारे आपके स्वास्थ्य को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है यूनाइटेड नेशंस से, जिसने विकसित भारत और विश्वगुरु भारत इन सब को उल्टा टांग दिया है, कान पकड़ के खींच लिया है। यूं समझ लीजिए कि एक बार फिर से भारत नीचे से टॉप करता हुआ दिख रहा है। अच्छा, एक बात और विशेष बात, आपके घर या आसपास यदि कहीं कोई भाजपा विधायक पहुंचे तो घर में जितनी कुर्सी सोफा खटिया बेड ये सब कुछ जो है सब तैयार करके रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि विधायक जी नाराज हो जाए और आपकी खटिया खड़ी हो जाए। राम राज्य की इस घटना को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत में बात करेंगे इन मैडम की। आजकल ये अर्थशास्त्री बन चुकी हैं और इतनी बड़ी अर्थशास्त्री बन गई हैं कि अब तक भक्तों को ज्ञान ठेलती थी, अब रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर को ही ज्ञान ठेल रही हैं और न सिर्फ ज्ञान दे रही हैं बल्कि गलत भी बता रही हैं। तो मैडम के अर्थशास्त्री बनने की कहानी पर अच्छे से बात करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब दिल चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार। मशहूर शायर साहिर लुधियानवी की ये लाइन कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक मामले की सुनवाई के दौरान दोहराई है। दरअसल कर्नाटक के बेलगामी जिले में एक गांव के भीतर एक युवक की शादी तय हुई थी, लेकिन वो गांव के ही एक लड़की को लेकर फरार हो गया। इसके बाद लड़की के रिश्तेदार युवक के घर पहुंचते हैं और उसकी मां को बुरी तरह से पीटा जाता है, खंभे से बांधकर अर्धनग्न करके घंटों तक पीटा जाता है। रिश्तेदार उसके साथ मारपीट करते हैं मगर गांव का कोई व्यक्ति बचाव के लिए सामने नहीं आता। गांव का तो छोड़ दीजिए, पुलिस प्रशासन भी घंटों बीत जाने के बाद आता है। लगभग 2 घंटे की पिटाई के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। हम जब फिल्मों में इस तरह की घटनाओं को देखते हैं तो बहुत क्रोध पनपता है भीतर से, जी करता है कि मैं वहां होता तो इन पापियों को निपटा देता, लेकिन जब इस तरह के दुर्दांत घटनाएं सामने होती हैं तो पापियों को सजा देना तो बहुत दूर की बात है, लोग बचाव के लिए भी सामने नहीं आते। इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कर्नाटक की हाईकोर्ट ने सुनवाई की, लेकिन सुनवाई के दौरान जज ने जो बातें कही हैं, जिस तरीके की बातें चीफ जस्टिस ने कही हैं, जैसा दुख प्रकट किया है उसे जरा सुन लीजिए। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पी.बी. वराले और जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने इसकी सुनवाई की और चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है। देखिए उस महिला को कितना सदमा सहना पड़ा होगा 2 घंटे तक, उसे उसके घर से घसीटा गया, निर्वस किया गया और जानवरों की तरह पीटा गया। जानवरों में भी कुछ समझ होती है, क्या इंसानों का व्यवहार इसी तरह का होता है? ऐसे लोगों को मुझे इंसान कहने में भी शर्म आती है, कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है, इतना अमानवीय कैसे हो सकता है? इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने पुरुष अंधराष्ट्रवाद की बात भी कही। उन्होंने पूछा कि क्या पुरुष होने का यही मतलब है कि किसी महिला के साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? इसी के बाद चीफ जस्टिस ने कहना शुरू कर दिया कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब दिल चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि द्रौपदी का सौभाग्य था कि उनकी सहायता के लिए भगवान कृष्ण थे, इस आधुनिक युग में बेचारी द्रौपदी की सहायता कौन करेगा? अब देश में महिलाओं की स्थिति को लेकर क्या ही कहा जाए, आम महिलाएं न्याय की उम्मीद भी कैसे कर सकती हैं जब महिला जज ही खुद को न्याय नहीं दिलवा पा रही हैं। कल लाइव वीडियो में हमने विस्तार से आपको बताया था किस तरीके से उत्तर प्रदेश की लखनऊ की रहने वाली एक महिला जज जो कि बांदा में ड्यूटी पर हैं, उन्होंने जिला जज पर भरी अदालत में शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाने के बाद जब उन्हें न्याय नहीं मिला तो उन्होंने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है और यह भी कहा कि इस देश की महिलाएं ध्यान से सुन लें, यदि वो कहीं बाहर काम करती हैं तो कार्यस्थल पर शारीरिक शोषण के साथ जीने की आदत डाल लें, लड़ने की कोशिश न करें, लड़ना नहीं है, न्याय नहीं मिलेगा। इस देश में न्याय मांगना भीख मांगने के समान है। उस महिला जज ने यह भी बताया कि रात में खाने के बाद उन्हें मिलने के लिए कहा गया, बुलाया गया, जब उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया तब उन्हें जजों ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया। दूसरों की गलतियों के लिए भी इन्हें परेशान किया जाता था। महज 31 साल की उम्र में एक महिला जज सेवा में आने के तुरंत बाद ही इस तरह की पीड़ा की शिकार हो जाती हैं और
न्याय प्रणाली से इस कदर हताश हो जाती हैं कि इच्छा मृत्यु की मांग करने लगती हैं। इस मामले पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की आंतरिक शिकायत समिति पहले से ही इस मामले पर विचार कर रही है, इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत दायर रेट याचिका पर विचार करने का अभी कोई कारण नहीं मिल रहा है। बाकी देश की महिलाएं बिल्कुल टेंशन ना लें, हम बहुत जल्द विश्वगुरु बनने वाले हैं भाई। अब पहले स्मार्ट सिटी वाराणसी के भाजपा विधायक अवधेश सिंह का विश्वगुरु टाइप का कारनामा देख लीजिए, इसके बाद मामा वाले मामले पर तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। वाराणसी के पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं अवधेश सिंह। दुकानदार दिवाकर यादव के दुकान पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे, बैठने के लिए कुर्सी मांगी, दुकानदार ने कुर्सी दी, लेकिन अब आप तो जानते ही हैं कि विधायक के साथ तमाम लोग रहते हैं जबकि दुकान में कुर्सियां थी दुई। इसी बात को लेकर कथित तौर पर विधायक अवधेश सिंह नाराज हो गए, तुरंत मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालकर अधिकारियों को फोन लगाने लगे और थोड़ी ही देर बाद दुकान पर छापा मरवा दिया। खोआ और मिठाइयों का सैंपल लेकर जांच हुई, दुकान सील हो गई। इसीलिए मैंने कहा था कि घर में जितनी कुर्सी खटिया सोफा सब है सब तैयार रखिए हमेशा के लिए, और कम है तो मंगवा लीजिए, खासकर यदि आप दुकानदार हैं तो। पता नहीं कब कौन सा विधायक पहुंच जाए और यदि नाराज हो गया छापा मरवा दिया तो ताला लग जाएगा। एक बात और याद दिला दें, विधानसभा चुनाव के दौरान जब हम पिंडरा विधानसभा में गए थे तो वहां के लोग स्पष्ट रूप से ये कहते थे कि भाजपा विधायक अवधेश सिंह किसी काम के नहीं है, जनता यदि उनके पास कोई काम लेकर जाती है, कोई समस्या लेकर जाती है तो सीधे नकार देते हैं और कहते हैं कि तुमने तो किसी का चेहरा देखकर किसी के नाम पर वोट दिया था, हमको थोड़ी ना दिया था, जाओ उनसे मिलो जिसके नाम पर वोट दिया था। बाकी बीजेपी के लोग किसके नाम पर और किसके चेहरे पर वोट मांगते हैं ये तो आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत तो है नहीं, जानते हैं तो फट से लिख दीजिए। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, हमारे चैनल पर आज भी तमाम वीडियो उपलब्ध हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, इनमें से बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मध्य प्रदेश में मिली और इस जीत के पीछे आज भी ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की मेहनत थी। हालांकि चुनाव के आखिरी दिनों में उन्होंने जबरदस्त मेहनत की और उनकी लाडली बहन योजना को भी श्रेय दिया जाता है। अभी इस लाडली बहन योजना को लेकर भी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, बड़ा खेल होने का अंदेशा सामने आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे, मगर पहले शिवराज सिंह चौहान की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जहां कुछ महीने पहले तक और चुनाव के बाद भी ज्यादातर एग्जिट पोल तक कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, उसी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोगों को लगा कि चुनाव प्रचार के दौरान भले ही शिवराज सिंह चौहान यानी मामा को किनारे किया गया हो, लेकिन इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद किनारे नहीं करना चाहिए या फिर नहीं किया जाएगा, लेकिन सबका अंदाजा गलत निकला। दिल्ली में बैठी गुजरात वाली जोड़ी ने वही किया जिसका अंदेशा पहले से था और जो आरोप उन पर हमेशा से लगता है कि उन्हें खुद से ऊंचे कद का नेता नहीं चाहिए, खुद से अधिक काबिल व्यक्ति नहीं चाहिए, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो सवाल करता हो, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आंख में आंख डालकर बात करते हो, बल्कि ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसे पदाधिकारी चाहिए जो सिर्फ हां में हां मिलाएं यानी यस मैन, जो कभी भी प्रतिद्वंदी बनकर सामने न आ पाए या फिर आने की क्षमता ही न हो, आ ही न सके, जो हमारा ऑप्शन न बन सके। ये बात लगातार उठती है कि इस योजना के तहत मोदी शाह की जोड़ी ने गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह के क्षेत्रीय भाजपा नेताओं को किनारे कर दिया। और सिर्फ क्षेत्रीय नेताओं को ही नहीं, बल्कि 2013-14 में ही आपने सबने देखा है कि किस तरीके से उस वक्त के बीजेपी के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक को किनारे कर दिया गया, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसे मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया कि मार्ग से निकल जाते हैं लेकिन कोनो दर्शक नहीं मिलता है। बाकी वो सीन तो आपको याद ही होगी, एक वक्त में प्रधानमंत्री मोदी झुक झुक कर आडवाणी जी के पैर छुआ करते थे और कुछ ही समय बाद वो तस्वीर भी सामने आई जब आडवाणी जी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और प्रधानमंत्री इग्नोर करके निकल जाते हैं, एक नजर तक नहीं डालते, ताकते भी नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि क्या यही गुरु शिष्य परंपरा होती है, एक वक्त में आप जिसका आशीर्वाद लेने के लिए तरसते रहे होंगे बाद में उसे इस तरह से लात मार के किनारे कर दिया जाए। 3 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद लगातार ये चर्चा हो रही थी कि राजस्थान में वसुंधरा राजे कुछ खेला कर सकती हैं क्योंकि वहां प्रचंड बहुमत भी नहीं है, हो सकता है कि वो अपने विधायकों के साथ अलग हो जाए यदि मुख्यमंत्री का पद न मिले तो, इस तरह की चर्चाएं आ रही थी। लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में कोई भी किसी भी तरह की बगावती सुर की चर्चा नहीं कर रहा था। हालांकि बगावती सुर बगावत के रूप में तो अभी भी सामने नहीं है, लेकिन जो सामने आ रहा है वो उससे भी बड़ा हो सकता है, बगावत से भी बड़ा कहा जा सकता है, क्योंकि ये आग बहुत भीतर से निकल रही है ऐसा प्रतीत होता है। शायद आडवाणी जी की हालत देखकर ही उनके करीबी रहे शिवराज सिंह चौहान ने यह ठान लिया है कि हम आडवाणी नहीं बनेंगे। और ठान लिया शब्द हम क्यों बोल रहे हैं उसका कुछ उदाहरण आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमने हाल ही में आपको बताया था कि मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान चुपचाप घर में बैठे नहीं है, वो लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, कभी यहां कभी वहां, और जहां भी जा रहे हैं जमकर भीड़ मिल रही है। मध्य प्रदेश के युवा लव यू मामा
लव यू मामा चिल्ला रहे हैं, वही महिलाएं शिवराज सिंह चौहान से लिपटकर रोती हुई नजर आ रही हैं। और जो नवीनतम वीडियो आई है उसमें तो महिलाओं को रोते भी लगते देख शिवराज सिंह चौहान भी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं और जमकर आंसू बहा रहे हैं, चश्मा उतार कर आंसू पोंछते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही महिलाएं लगातार नारेबाजी भी कर रही हैं कि हमने आपको वोट दिया था, आप सबके प्यारे हो। महिलाएं ये भी नारा लगा रही हैं कि बहनों का भैया कैसा हो शिवराज भैया जैसा हो, शिवराज तुम राज करो हम तुम्हारे साथ हैं। इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिए, आम जनता इस तरह की बातें अपने मन से नहीं बोलती है, कहीं ना कहीं किसी की तरफ से इशारा मिलता है शिवराज तुम राज करो हम तुम्हारे साथ हैं। ये लाइन अपने आप में बहुत गहरे मतलब रखती है, कहां पर राज करने की बात हो रही है, कुर्सी तो चली गई है और दिल्ली जाएंगे नहीं, खुद शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है, तो फिर राज कहां पर करना है। यह अलग बात है कि हाल ही में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान को जल्दी ही बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, अब जब दी जाएगी तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल शिवराज सिंह चौहान ने मना कर दिया है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान भोपाल से विदिशा जा रहे थे, तब बिलौरी गांव में वहां पर रुके थे, उनसे मिलकर ग्रामीण महिलाएं भावुक हो गई, कहने लगी कि भैया हमने तो आपको वोट दिया था, आप ही को चुना था, और गांव के लोग लगातार ये भी कहते रहे कि मोदी जी ने बहुत गलत किया है। यानी शिवराज सिंह चौहान के घूमने से लगातार ये बात लोगों के भीतर जा रही है कि इन्होंने मेहनत की थी, इन्हें इनके मेहनत का परिणाम नहीं मिला और मोदी जी ने बहुत गलत किया है। पिछले दिनों महिलाएं कहते हुए सुनी गई कि शिवराज भैया तुम सीएम नहीं पीएम बनोगे, यानी एक तरफ नारा लग रहा है राज करो हम तुम्हारे साथ हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद भी दिया जा रहा है। पिछले दिनों हमने आपको यह भी दिखाया था कि शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर अपना बायो अपडेट किया, मतलब अपने बारे में जानकारी दी, उसमें जहां पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश लिखा था वहां पर इन्होंने भैया मामा पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश लिख दिया। यानी इशारा साफ है कि दिल्ली ने भले ही इन्हें किनारे करने की कोशिश की हो लेकिन ये किनारे होने वाले नहीं है, और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान लगातार लोगों से मिलजुल रहे हैं और जैसे कि लोगों के भीतर से प्रतिक्रिया निकल रही है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि शिवराज सिंह चौहान हाथ घुमाकर कान पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे आप बगावत का नाम भी नहीं दे सकते और सामने वालों को मजबूर भी किया जा सकता है। जनता के माध्यम से ये दिखाया जा सकता है कि आपने जो किया है वो गलत किया है, अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर अभी जो सबसे बड़ी बात चर्चा में आ गई है वो ये है कि कहीं संघ यानी आरएसएस भी इन्हें पिछले दरवाजे से सामने रखने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बात की चर्चा हर तरफ है कि 2024 में ये दिखाने की कोशिश भले हो रही है कि हम फिर से पूर्ण बहुमत लाएंगे, बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन शायद असलियत वो नहीं है जो गोदी मीडिया दिखा रहा है। यदि इंडिया गठबंधन ने थोड़ी सी भी मजबूती दिखा दी तो फिर 272 का जो आंकड़ा है बहुमत का वो छूना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि गुजरात वाली जोड़ी का साथ देने के लिए कौन सी पार्टी सामने आएगी, क्योंकि इनका अब तक का यह इतिहास रहा है कि जिसने भी उन्हें सहारा दिया इनसे दोस्ती की उन्होंने उनकी पार्टियों को तोड़ दिया। यानी बीजेपी के आज के बड़े नेताओं ने उन पार्टियों को तोड़ दिया, और पार्टियों को ही नहीं बल्कि परिवारों को भी तोड़ दिया। यानी जो चर्चा पहले से चली आ रही थी कि यदि इन्हें 20 25 या 50 सीटों की जरूरत पड़ी तो शायद गुजराती जोड़े के नाम पर कोई भी पार्टी सहायता देने के लिए तैयार ना हो, अभी आप जिन्हें साथ देखते हैं हो सकता है वो किसी मजबूरी में साथ देखने की कोशिश करते हो, और जिस दिन सत्ता जाएगी जांच एजेंसियों का डर खत्म होगा तो फिर कोई भी मजबूरी नहीं रह जाएगी। तो सवाल यह भी उठने लगा है कि कहीं मामा को आगे करने के पीछे आरएसएस तो नहीं है, और चर्चा इस बात की भी शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी में जितने बड़े नेताओं को किनारे लगाया गया और जिनके पावर्स को कम किया गया वो लोग लामबंद होने की कोशिश में तो नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और राजस्थान तक और कर्नाटक में भी तमाम ऐसे बड़े भाजपा नेता रहे हैं जिनका कद बड़ा रह चुका है लेकिन अब वो सब किनारे लगाए जा चुके हैं। भीतर की कहानी चाहे जो भी हो मगर इतना तो तय है कि मध्य प्रदेश के मामा ने साइलेंट गेम शुरू कर दिया है और वो दिल्ली के पर किनारे बैठने को तैयार नहीं है। यानी एक तरफ दिल्ली उन्हें किनारे लगाकर अपना कंपटीशन कम करने की कोशिश में है, दूसरी तरफ मामा कह रहे हैं कि हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखित इन दो लाइनों में ही शिवराज सिंह चौहान की पूरी प्लानिंग समझ में आ जाती है। रार नहीं ठानूंगा यानी खुली बगावत नहीं करूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा, यानी भाजपा के लिए 2024 में एक तरफ तो इंडिया गठबंधन से निपटना है और दूसरी तरफ उन लोगों से भी निपटना बड़ी चुनौती हो सकती है जिन्हें गुजराती जोड़े ने किनारे लगाया है अपने पद को बचाए रखने के लिए। और इतना तो तय है कि यदि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने खुलकर साथ नहीं दिया तो डबल इंजन धुआं छोड़कर बंद हो सकता है। और फिर जब उन्होंने यहां तक कह दिया है कि दिल्ली से अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा, बात जब मरने मारने तक आ गई है तब फिर इस धुएं के पीछे की आग की कल्पना कर सकते हैं आप। उधर संसद में पिछले दिनों कुछ लोगों ने धुआं उड़ा दिया। इस मामले पर चर्चा की मांग करते हुए विपक्ष के सांसद संसद में अपनी आवाज उठा रहे थे, सवाल कर रहे थे, कह रहे थे कि जब देश की संसद और सांसद ही सुरक्षित नहीं है
तो फिर देश कैसे सुरक्षित होगा। लेकिन सरकार की तरफ से कोई चर्चा करने का आश्वासन नहीं मिला। कांग्रेस समेत कई पार्टियों के बहुत सारे सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज भी संसद ठीक तरीके से चल नहीं पाई। सवाल लगातार उठ रहा है कि जिस भाजपा सांसद के कारण ये लोग संसद के भीतर घुस पाए थे, उस बीजेपी सांसद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। यहां एक बात और देखने वाली है, विश्वगुरु सरकार ने एक और नया कारनामा कर दिया है। डीएमके के जो सांसद सदन में उपलब्ध ही नहीं थे उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। यानी विश्वगुरु भारत में, न्यू इंडिया में, विकसित भारत में संसद से निलंबित होने के लिए संसद में होना जरूरी नहीं है। अब तक आप सुनते थे कि पुलिस लोगों को किसी भी मामले में लपेट देती है, उन लोगों को भी लपेट दिया जाता है जो मौके पर नहीं होते हैं। लेकिन शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सांसद संसद में है ही नहीं उसे भी निलंबित कर दिया गया, हालांकि बाद में उसमें सुधार किया गया। अब मध्य प्रदेश की ही हाल फिलहाल में सबसे चर्चित योजना के बारे में जान लीजिए, लाडली बहन योजना। एमपी कांग्रेस के इस ट्वीट को देखिए, लिखा है, लाडली बहन योजना में छटनी शुरू, धीरे धीरे सरकार योजना बंद करने की तैयारी में, लाडली से ठगी आने लगी सामने, हे सरकार बंद करो ठगी का कारोबार। एक पत्र यहां पर शेयर किया गया है एमपी कांग्रेस की तरफ से, जिसमें लिखा है, महिला एवं बाल विकास परियोजना सागर ग्रामीण 2 में यदि किसी पर्यवेक्षक या किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका या स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष या सचिव या समूह के अन्य सदस्य के द्वारा लाडली बहन योजना की जो शासन द्वारा निर्धारित शर्तें थी उन शर्तों के विपरीत यदि लाभ लिया गया है तो 15 दिनों के भीतर आप उसका परित्याग कर दें, अन्यथा शर्तों के विपरीत लाभ लेने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार यानी भाजपा की ज्यादातर योजनाओं में ऐसा क्यों देखा जाता है कि चुनाव से पहले सबको हेला हेल दे दिया जाता है। मतलब पहले जांच नहीं होती किसको देना है किसको नहीं देना है, और जब चुनाव बीत जाता है तब जब वोट लेने की बारी खत्म हो जाती है, जो मिलना था मिल चुका होता है, तब उसकी जांच शुरू होती है, तब क्राइटेरिया देखा जाता है कि कौन क्राइटेरिया के अंदर था कौन बाहर था। अब सवाल यह है कि लाडली बहन योजना के तहत यदि ऐसा था कि कुछ लोग निर्धारित शर्तों के विपरीत जाकर ले रहे थे तो क्या सरकार को पहले मालूम नहीं था? क्या इसके पीछे कोई गेम चलता है कि पहले जो ले रहा है दे दो और बाद में उनसे वसूली भी हो जाएगी और कुछ पैसा भी बच जाएगा? बड़ा बड़ा खेल सामने आता है सरकारों। बाकी इसी को आधार बनाते हुए एमपी कांग्रेस ने लिख दिया है कि अब लाडली बहन योजना धीरे धीरे बंदी की कगार पर जाने वाली है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अब जरा ये बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा अपने बारे में देख लीजिए, सुन लीजिए और भारत की असलियत समझते हुए रूबिका लियाकत मैडम से मिलकर जाइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें बताया गया है कि भारत में 74% से अधिक लोग स्वस्थ भोजन नहीं ले पा रहे हैं। यानी भारत की जो कुल आबादी है 140 करोड़ की, उसमें से लगभग 105 करोड़ लोगों को स्वस्थ या संपूर्ण भोजन नहीं मिलता है। 2021 की यह रिपोर्ट है। इसके साथ ही 2020 में यह आंकड़ा और भी खराब था। उस वक्त भारत में 76% से अधिक लोगों को स्वस्थ भोजन नहीं मिलता था। वैसे यूएन वालों को यह आंकड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, हम लोगों को नहीं लगना चाहिए। जानते हैं क्यों? अरे भाई, जब हमारी सरकार खुले मन से, जब देश के प्रधानमंत्री ही खुले मन से ये बात कहते हों कि हम 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं और इस पर ताली बजवाते हों, खुद भी बजाते हों, तो फिर स्वस्थ भोजन की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। 81 करोड़ लोग जब 5 किलो भोजन के लिए लाइन लगा रहे हैं, बाकी 20-25 करोड़ और हैं जिनको ठीक से भोजन नहीं मिलता है। कुल मिलाकर हो गए 105 करोड़ के आसपास जिन्हें स्वस्थ भोजन 2021 में नहीं मिलता था। लेकिन इस रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात जो कही गई है उस पर ध्यान दीजिए। बताया गया है कि जब भोजन महंगा होने लगता है, यानी जो आय है उसके हिसाब से भोजन यदि महंगा होने लगता है, तब फिर लोग स्वस्थ आहार नहीं ले पाते हैं। यानी भोजन का दाम भी बढ़े और तनख्वाह भी बढ़े तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आय नहीं बढ़ती है, भोजन महंगा होने लगता है, तब स्वस्थ भोजन नहीं मिल पाता है। वैसे इस मामले में भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। फिलहाल 2021 में स्वस्थ भोजन के मामले में पाकिस्तान और नेपाल हमसे खराब स्थिति में है। यानी पाकिस्तान से हम ठीक है, लेकिन बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव हमसे अच्छी स्थिति में है। अब चूंकि भक्तों की लॉबी हमेशा पाकिस्तान से तुलना करती है तो वो यहां पर ताली जा सकते हैं। लेकिन सोच कर देखिए, हम उस श्रीलंका से भी खराब स्थिति में हैं जिसकी हालत अभी कंगालों वाली बताई जा रही थी। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा खराब स्थिति में हैं स्वस्थ आहार को लेकर। आंकड़ों के अनुसार भारत में 16% से ज्यादा आबादी कुपोषित है। 16% से ज्यादा लोग कुपोषित हैं। 5 साल से कम उम्र के 30% से ज्यादा बच्चों का विकास ठीक से नहीं होता है। लंबाई की तुलना में वजन का कम होने का जो मामला होता है उसमें भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे खराब स्थिति में है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि भारत में 15 से 49 साल की आयु की जो महिलाएं हैं उनमें से 53% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। यानी भारत की आधी से अधिक महिलाएं खून की कमी से पीड़ित हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में भी मोटापे की बीमारी अपना पैर पसार रही है। पिछले दिनों ऐसी ही रिपोर्ट भुखमरी को लेकर सामने आई थी। भारत सरकार ने कह दिया कि रिपोर्ट
गलत है। बच्चों के टीकाकरण से संबंधित भी एक रिपोर्ट आई थी, टीकाकरण नहीं लग पाया था, उसे भी नकार दिया गया। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट के बारे में भारत सरकार क्या कहती है। हालांकि सरकार कुछ भी कहते रहे, हकीकत क्या है यह आप सब जानते हैं। और मुफ्त राशन का 81 करोड़ वाला जो आंकड़ा है, उसी से भारत के लोगों के स्वास्थ्य की और स्वस्थ भोजन की स्थिति समझ में आ जाती है कि जो लोग 5 किलो राशन के भरोसे जिंदा है वो कैसा भोजन ले पाते होंगे। बाकी टेंशन मत लीजिए, हम लोग विश्वगुरु जरूर बनेंगे। जिस देश में गोदी मीडिया के एक से बढ़कर एक लपड़झंडिस हों, जो एंकर पत्रकार होने के अलावा साइंटिस्ट भी हों, 2000 के नोट में नैनो चिप भी लगाते हों, डॉक्टर भी हों, साइंटिस्ट भी हों, इतिहासकार भी हों और अर्थशास्त्री भी हों, तो फिर ऐसे देश को विश्वगुरु बनने से कौन रोक सकता है भाई। किसकी इतनी हैसियत है? हमारे देश के सबसे बड़े बैंक यानी बैंकों के बैंक कहे जाने वाले RBI के पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन। इन्होंने IIT दिल्ली से BTech किया है, IIM अहमदाबाद से MBA किया है और शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की सेवा दी है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री भी रहे हैं। बाकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे हैं, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन गोदी मीडिया की ये मैडम बता रही है कि रघुराम राजन को तो कुछ पता नहीं है और असली अर्थशास्त्र का ज्ञान तो मैडम के पास है। दरअसल रघुराम राजन ने हाल ही में कहा कि नोएडा, बेंगलुरु और गुरुग्राम पहली दुनिया के देश हैं, यानी पहली दुनिया उन देशों को कहा जाता है जो विकसित हैं, बहुत आगे हैं। बाकी का भारत सब सहारन अफ्रीका से भी गया गुजरा है, यानी नोएडा, बेंगलुरु और गुड़गांव को इन्होंने बहुत तेजी से ग्रो करने वाला लगभग विकसित जैसा शहर बताया और बाकी भारत को पिछड़ेपन का शिकार बताया। आसान भाषा में यही कहा गया। अब इसे लेकर रूबिका मैडम लिख रही हैं कि ये वाला आकलन तो GDP वाले आकलन से भी गया गुजरा है। रघुराम जी को हिंदुस्तान भ्रमण की अत्यंत आवश्यकता है, सबसे ज्यादा स्टार्टअप Tier 2 शहरों में हो रहे हैं। आपने सब सहारन अफ्रीका लिखा, मतलब कुछ भी, उदयपुर, इंदौर, कोची, चंडीगढ़, लखनऊ, वाराणसी जैसे तमाम शहर आपने देखे भी हैं, ये शहर और यहां का बदलाव। रघु जी कुछ तो गड़बड़ है, यानी रूबिका लियाकत सीधे सीधे रघुराम राजन की एनालिसिस को गलत बता रही हैं और कह रही हैं कि भारत में घूम कर देखिए। अपनी इस लिस्ट में इन्होंने भारत के तमाम छोटे छोटे शहरों का नाम लिखा है, कुछ थोड़े बहुत बड़े भी हैं। कह रही हैं कि लखनऊ, वाराणसी, चंडीगढ़, कानपुर को जाकर देखिए। तो सवाल ये उठता है कि रूबिका मैडम, क्या आपने कभी इन शहरों को जाकर देखा है? इन शहरों में कभी प्रधानमंत्री के अलावा जाइए, अकेला जाइए, उनके पीछे पीछे जाएंगी तो चारों तरफ पोस्टरबाजी दिखेगी, पर्दा नजर आएगा, हकीकत नहीं दिखेगी। पर्दे के पीछे असली हकीकत होती है जो पर्दे से ढक दिया जाता है। आम जनता के बीच जाइए, ये जो स्टार्टअप वाला गाना आप गा रही हैं इसकी पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। और बाकी शहरों को तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र जो वाराणसी है मैडम, कभी समय निकालकर वाराणसी में ही अकेले घूम लीजिए, स्टार्टअप की हकीकत एंड अप नजर आएगी। पुराने छोटे मोटे कल कारखानों और धंधे जो चलते थे उनकी हालत क्या है, सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि जब नाले में पाइप डालकर उसी गैस से चाय बनाई जा सकती है, बादल के पीछे जाकर रडार से बचा जा सकता है और 2A भी निकल सकता है, तो फिर रूबिका लियाकत किसी अर्थशास्त्री को ज्ञान क्यों नहीं ठेल सकती? लोकतंत्र है भाई। अच्छा एक बात तो भूल ही गया, सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह नाराज ना हो, 2000 के नोट में नैनो चिप ढूंढ जा सकती है तो फिर रूबिका लियाकत अर्थशास्त्री क्यों नहीं बन सकती? ये बोलना भूल गया था, मैंने सोचा कि उनका भी नाम बोल दे, नहीं तो कल को नाराज हो जाएंगे कि हमने भी साइंटिस्ट वाला काम किया था, 2000 के नोट में नैनो चिप ढूंढा था, दुनिया में सबसे पहले हमारा नाम क्यों नहीं लिया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।